नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू KVCL केचाडवेला क्रिएटिव लाइफ। अधूरा है मेरा इश्क तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। राधे राधे। आज इसी राधे राधे के साथ हम लोग प्रयागराज से थोड़ी दूरी पे, 60 किलोमीटर की दूरी पे, छोटा सा, बहुत ही छोटा तो मैं गलत कह रही हूँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एक मंदिर है मनगढ़ नाम की जगह पे, जो कि कृपालु जी महाराज जी द्वारा बनाया गया है। ये 2005 में बनाया गया था, लगभग 17-18 साल हो चुका है इसको बनाए। इस मंदिर का नाम है भक्ति मंदिर। बिल्कुल जैसा आप यह समय भक्ति मंदिर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का कृपालु जी महाराज जी ने इससे पहले वृंदावन में बनवाया था, जो कि मथुरा में है, उसका नाम है प्रेम मंदिर, और उसके बाद यहाँ पे बनवाया था मंदिर, जो कि सुबह 8:30 बजे से खुल जाता है शाम को 7 बजे तक। और आज की जो कैटेगरी वाइज अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे दो तरह के मंदिर हैं, झांकी है, और खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यहाँ लाने की अलाउ नहीं है अंदर कि आप ला के खा पी सके। यहाँ कैंटीन है तो आप कैंटीन से लीजिए, खाइए, अंदर लाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, इवन अंदर तो बिल्कुल बना था, बाहर खींचिए फ़ोटोज़ लीजिए, लेकिन अंदर की तरफ बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे मना कर दिया गया था, तो मैं ना वहाँ का वीडियो डाल पाई हूँ और ना ही मैं फ़ोटो दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और एक सुकून भरा दिन गुजारिए यहाँ आके। यार वहाँ पहुँचने के बाद ना देख के इतना, मतलब क्या कहना चाहिए, इतना सुकून, एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, एक अंदर से जो आत्मा से जो खुशी कहते हैं ना, वो देख के हो रही थी। और जब आप कोई खूबसूरत चीज़ देखो ना, तो ऐसी ही फीलिंग आती है, एम आई राइट? तो ऐसा ही कुछ यहाँ मनगढ़ मंदिर में आके लग रहा था। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि समझ लीजिए कि जो आसपास जितने भी है ना, सबके लिए एक पिकनिक स्पॉट जैसा है ये, इतना अच्छा है ये। बेसिकली राधा और कृष्ण जी के उस पर बना हुआ मंदिर है। यहाँ जितनी भी आप झांकियाँ देख रहे हैं ना, सब उनके बचपन से लेके उनके बड़े होने तक, कुरुक्षेत्र तक, या सब, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको झांकियों के तौर पे देखने को मिलेगी। और झांकियाँ तो इतनी सूदिंग, इतनी अमेजिंग झांकियाँ, और इतनी क्रिएटिविटी, इतनी डिटेलिंग के साथ यहाँ पर काम किया हुआ। अभी आप जितना भी काम यहाँ देख रहे हैं सब मैं दिन में दिखा रही हूँ, जैसे जैसे शाम होगी फिर आप यहाँ की लाइटिंग्स देखिएगा कि एक बार ही आप लोग का ज़रूर मन करेगा कि ज़रूर यार एक बार कुछ चलना चाहिए और सामने से देखना चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ फ़ोटो में, वीडियो में देख के मज़ा नहीं आता जब तक कि खुद से ना देखो। और ऐसी जगहों पर तो यार खुद से जाओ ना तो आत्मा तक तृप्त हो जाती है, इतनी ब्यूटीफुल। मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पहली बार इतना सुंदर एक मंदिर देखा जिसमें कि इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी। और कृपालु जी महाराज जी का यहाँ पे बहुत नाम है, बहुत उनका आश्रम भी है, पहले वो यहाँ रहा करते थे, उसके बाद उनके जाने के बाद वहाँ पे आप सब उनके शिष्य वगैरह रहते हैं, पूजा पाठ होती है, कृष्ण और राधा जी का इतना खूबसूरत श्रृंगार होता है यहाँ पे, डेली यहाँ पे बदला जाता है। और ये समझ लीजिए अनएक्सपेक्टेड भीड़, अनएक्सपेक्टेड, मतलब गाड़ी खड़ी करने तक की स्पेस नहीं थी यहाँ पे।
यहाँ का पूरा मंदिर जो है वो प्रेम पे ही है, यानी कि राधा कृष्ण जी जो हैं वो प्रेम के ही सिंबॉलिक हैं। तो प्रेम जो कि बिना किसी मोल भाव के होता है, बस सच्चे मन से किया होना चाहिए बस। मैंने पढ़ा है और अपने लाइफ में इसको फील भी किया है कि प्रेम की भाषा ना बहुत आसान होती है, कि प्रेम दिखा दिया हो गया बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना ना बहुत कठिन होता है। राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, राधा के प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं। यदि प्रेम का नाम सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। आज का ये वीडियो अगर आप लोगों के दिल दिमाग को सुकून दिया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिएगा और छोटू सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।